तेज रफ्तार वैगनार कार ने युवक को उड़ाया, फिर सीवर के चैम्बर में समा गई। खबर बांकड़े हनुमान मंदिर के पास घसाराई के पुल से आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। इससे बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरा। उसके बाद भी कार की रफ्तार नहीं थमी और सीवर के चैम्बर में वो समा गई। इससे कार में सवार लोगों को कांच तोड़कर बमुश्किल निकाला गया। इस घटना में घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सौरभ पाठक पुत्र घनश्याम पाठक उम्र 26 साल निवासी आदर्श बंधु स्कूल के पास शांतिनगर पिछौर में जियो कंपनी में कार्यरत है और वो आज अपने घर पर पूजा होने पर पिछौर से शिवपुरी आ रहा था। तभी घसारई की पुलिया के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार वैगनार ने युवक को उड़ा दिया। इसके बाद युवक उचट कर दूर पड़ा, जिससे उसके पैर में चोट आई है। परंतु उसके बाद भी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार अनियंत्रित होकर सीवर के चैम्बर में पूरी तरह समा गई। जैसे तैसे इस कार में बैठे लोगों को कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि उक्त कार मेडिकल कॉलेज में पदस्थ किसी कर्मचारी की है। तो साथ में काफ़ी घायल हुई है, कार को भी कोई डैमेज हुआ है? कार उनकी जाके और सीधी चैम्बर में घुसी, जो कि सीवर के चैम्बर है उनमें से चली गई। उसमें भी कुछ लोग घायल हुए? नहीं, उनमें केवल एक ड्राइवर थे, वो निकल के आया था, उनके हाथ में थोड़ी सी चोट आई। गाड़ी कहाँ की थी? गाड़ी कहाँ की थी वो? अभी मुझे याद नहीं, वो एक्चुअली में इतना याद है कि वो मेडिकल कॉलेज में है, मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं।